हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए आज हम जो है दुर्ग संभाग को देखते हैं जो आपके आने वाले सीजीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले मैंने बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दुर्ग संभाग, ठीक है। देखिए जो दुर्ग संभाग है, तो दुर्ग जो है जिला बना था आपका कब, 1906 में, ठीक है। 1906 में जब मैं जिलों का गठन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि दुर्ग जो है डिस्ट्रिक्ट बना था 1906 में, ठीक है। लेकिन जो दुर्ग संभाग है, संभाग का दर्जा जो है 2013-14 में जो है दुर्ग को संभाग का दर्जा मिला, ठीक है। और दुर्ग संभाग के अंतर्गत आपके 5 जिले आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, कवर्धा आता है, राजनांदगांव है, बेमेतरा है, दुर्ग है और आपका बालोद है, ठीक है। तो ये 5 जिले जो है आपके दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार मैप से देख लेते हैं, फिर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। ये देखिए दुर्ग जो है, यहाँ है आपका दुर्ग संभाग, ठीक है। दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं, कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ठीक है। तो जो ये बेमेतरा, दुर्ग और बालोद है, ठीक है, ये तीनों जो है आपके भू आवेष्टित डिस्ट्रिक्ट है, मतलब लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है। अब लैंड लॉक जिला जो है या डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं, जो किसी भी राज्य को, ठीक है, जैसे कवर्धा और राजनांदगांव है, ये जो है आपको मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, और राजनांदगांव जो है महाराष्ट्र और एमपी को टच कर रहा है। लेकिन जो बेमेतरा, दुर्ग और बालोद है वो किसी भी राज्य को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है बेमेतरा, दुर्ग और बालोद जो है आपके लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब भू आवेष्टित जिला है, ठीक है। और सबसे ज्यादा भू आवेष्टित जिला जो है आपके कहाँ है, तो दुर्ग संभाग में ही है, ठीक है। अब चलिए जो है एक एक जिले को देख लेते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कबीरधाम, देखते हैं आपका कबीरधाम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट देखेंगे कवर्धा या कबीरधाम, तो इसकी स्थापना जो है आपके 1998 में हुई थी, ठीक है। तो बिलासपुर का, यहाँ पे तो अभी मुंगेली है, तो मुंगेली पहले से है, बिलासपुर से अलग नहीं हुआ था, ठीक है। तो बिलासपुर का कुछ हिस्सा और राजनांदगांव का कुछ हिस्सा लेकर जो है आपके कवर्धा शहर की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो इसका मात्र जिला जो है दो है, एक तो बिलासपुर और राजनांदगांव, बना कब था ये, 1998 में, ठीक है। और इसको देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर्धा को घेरे हुए है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आपके जो पूर्व में आपका है वो मुंगेली, ठीक है, फिर बेमेतरा, फिर राजनांदगांव, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट ने जो है कवर्धा को घेरा हुआ है। उसके बाद जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपके पूरा मध्य प्रदेश जो है कवर्धा को घेर के रखा है, ठीक है। मध्य प्रदेश तो एक राज्य और 3 डिस्ट्रिक्ट ने जो है कवर्धा या कबीरधाम को घेरे हुए है, ठीक है। अब देख लेते हैं मैप में, देखने से पहले हम चीजों को यहाँ से पढ़ लेते हैं, तो चीजें जो है अगर हम फिर मैप में देखेंगे तो चीजें जो है आसानी से क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो देखिए देखते हैं जो कवर्धा है, कवर्धा में जो है आपके 4 तहसील है। पहला आपका बोडला है, फिर पंडरिया है, ठीक है, फिर कवर्धा खुद कवर्धा है, फिर सहसपुर लोहारा है, और जिला मुख्यालय जो है कवर्धा ही है, ठीक है। देखिए जो बोडला है, बोडला में जो है आपके भोरमदेव मंदिर है, ठीक है। बोडला जो तहसील है उसमें भोरमदेव मंदिर है, जिसकी स्थापना जो है 1089 में जो फड़ी नागवंशी शासक है गोपाल देव और लक्ष्मण देव, इसके द्वारा जो है, कहीं कहीं पे गोपाल देव भी दिया हुआ है, कहीं पे लक्ष्मण देव भी दिया, लेकिन जो सीजीपीएससी है वो गोपाल देव लेता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा भोरमदेव का निर्माण जो है गोपाल देव ने कराया, और जो भोरमदेव मंदिर है इसको जो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, और इसका जो स्थापना जो नागर शैली में करी गई है, ठीक है। यहीं पे जो है कोई भोरमदेव से थोड़ा आगे, जो मंदिर के थोड़ा आगे मड़वा महल है, ठीक है, मड़वा महल है जिसको दूल्हा देव भी कहा जाता है, ठीक है। तो मड़वा महल है, और इसकी स्थापना जो है 1349 में फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा कराई गई थी। फिर छेरकी महल है, छेरकी महल जो है एक शिव मंदिर है, ठीक है, और ये जो है चरवाहों को समर्पित है, ये महल जो है चरवाहों को समर्पित है,
ठीक है, ये हिंदी ग्रंथ अकेडमी के बुक में थी कि मतलब छेर की महल जो है चरवाहों को समर्पित है, ठीक है। और सीजीपीएससी भी दिया जा में भी दिया जाता है कि अगर छेर की महल जो है किस लिए है, तो आपको याद रखना है कि चरवाहों को समर्पित है ये महल, ठीक है। कवर्धा में ही एक पचराही है, ठीक है। पचराही जो है एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे जो 15वीं सदी के जो है गहने आप प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मंदिरों की श्रृंखला प्राप्त हुई है। और जो पचराही है वो हाफ नदी के तट पर, हाफ नदी जो है कबीरधाम से ही निकलती है, ठीक है। और ये जो है आपके पचराही जो है इसी नदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ पे जो है भोरमदेव अभ्यारण्य है, ठीक है, भोरमदेव में ही आपके भोरमदेव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना जो है 2001 में करी गई थी। देखो जो छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 2000 में, ठीक है, उसके एक साल बाद 2001 में सबसे पहले बनाया गया क्या, भोरमदेव अभ्यारण्य। जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद सबसे पहले जो बना वो कौन सा अभ्यारण्य है, क्वेश्चन आता है, तो कौन सा है आपके भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक है। इसका जो एरिया है वो 164 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। प्रमुख जो नदी है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रमुख नदी है आपकी सकरी नदी, जो एमपी से निकलती है, कवर्धा में बहती है, अभी देखेंगे इसको। हाफ नदी है, तार नदी और बंजर नदी है, ये जो है नर्मदा की सहायक नदी है, ये भी एमपी से ही कवर्धा में प्रवेश करती है, ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पे है रामेपुर है, ठीक है, कवर्धा में, जहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो है आपका प्रथम शक्कर कारखाना बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे कबीरधाम में याद रखिएगा एक गंगा अनुसंधान केंद्र भी बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो है देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला गंगा अनुसंधान केंद्र होगा। जो देश का पहला गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ में है आपके, ठीक है, और दूसरा जो आपके कवर्धा में बनाया जा रहा है, याद रखिए देश का दूसरा है और छत्तीसगढ़ का पूछे तो पहला है, ठीक है। पंडरिया में ही आपके जो है सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना है, ठीक है, पंडरिया तहसील में जो कवर्धा में आता है। खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, तो खनिज आपका जो सहसपुर लोहारा है, वहां पे आपका चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट है, और लौह अयस्क है, जो अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क जो है आपके कवर्धा के एकलनामा में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो जनजाति कवर्धा में रहती है वो है आपकी बैगा जनजाति में, कवर्धा में इनका वास है, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, मैप से देख लेते हैं, ठीक है। तो मैप में देखने से पहले सबसे पहले हम इसमें मैकल श्रेणी को देख लेते हैं, ठीक है। तो जो एमपी एमपी में जो टच हो रहा है कवर्धा का भाग, यहाँ पे जो है पूरी तरीके से मैकल श्रेणी फैली हुई है, ठीक है। इसको बोला जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। अब देखिए वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, और इसी की जो मैकल श्रेणी को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से कवर्धा में जो है बारिश जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कंपेयर में बहुत ही कम होती है। अब क्यों होती है, देखिए जो आपका मानसूनी हवाएं आती है, ठीक है, यहाँ से मानसूनी हवाएं आती है, यहाँ पे टकराती है, पर्वत में टकराती है, ठीक है, जो गर्म होती है और ऊपर उठती है, ऊपर उठ के जो सारी वर्षा जो है इसी साइड करा देती है, मतलब श्रेणी के इस साइड पे, ठीक है, पूरी सारी वर्षा करा देती है। और जैसे ही ये जो है इधर इंटर करती है, कवर पर्वत को पार करके जब ये इधर इंटर करती है कवर्धा में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हवा जो है शुष्क हो जाती है, क्योंकि ये आर्द्रता लेके आती है, आर्द्रता लेके आती है, जिस हवा में आर्द्रता होगी वहीं पे बारिश होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गर्म होगी तो ये क्या हो जाती है, ऊपर उठ के क्या होती है, आर्द्रता लेती है, नमी ले आती है और सारी वर्षा करा देती है। और जैसे ही यहाँ पे प्रवेश करेगी तो ये हवा जो है शुष्क हो जाएगी, ठीक है। और शुष्क होने पे जो है, जैसे जैसे शुष्क होकर नीचे बैठती है तो इसका टेम्परेचर भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ये हवा शुष्क होगी, जिस वजह से जो है इधर जो है बारिश नहीं करवा पाती है, ठीक है। तो देखिए जब हवा जो है गर्म होके ऊपर उठेगी, ठीक है, गर्म हवा जब ऊपर उठती है तब बारिश होगी, ठीक है। और जैसे जैसे गर्म होकर नीचे आ जाती है, शुष्क होती है, तो यहाँ पे ये बारिश नहीं करवा पाती, ठीक है। ये होता है आपका वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि हमने पढ़ा जैसे जैसे विषुवत है, ठीक है, अगर आपने मेरा जियोग्राफी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है कम होते जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी, ठीक है।
तो यही है वृष्टि छाया प्रदेश, सारी वर्षा यहाँ हो जाएगी और यहाँ होने के बाद हवा शुष्क हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं करवा पाती, ठीक है। इसलिए कवर्धा में दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कंपेयर में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए जो है यहाँ पे देखिए कवर्धा में सकरी नदी बहती है, ठीक है, सकरी नदी बहती है, ठीक है। तो ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और कवर्धा में बहती है, और जैसे यहाँ तक तो ये बहुत ही स्वस्थ रहती है, स्वच्छ रहती है, लेकिन जैसे कवर्धा में आती है सकरी नदी जो है प्रदूषित हो जाती है। याद रखिए छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी हमने संकनी डंकनी नदी को पढ़ा था, जहाँ पे दंतेश्वरी माता का मंदिर है, ठीक है, और दंतेवाड़ा में, और यहाँ पे जो है कवर्धा में प्रवेश करते ही सकरी नदी जो है प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो बोडला है, बोडला पे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे भोरमदेव मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे छेरकी है और यहाँ पे आपके मड़वा महल है, ठीक है। रामेपुर है, रामेपुर में शक्कर कारखाना है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए सहसपुर लोहारा, जहाँ पे चूना पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये है भोरमदेव अभ्यारण्य, ठीक है, इससे 164 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। पंडरिया में सरदार वल्लभ भाई शक्कर कारखाना बनाया गया है, ये आपका पचराही है, पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, और ये हाप नदी के तट पे है। यहाँ से बंजर नदी, तार नदी जो है कवर्धा में प्रवेश करती है, और ये बंजर और तार नदी जो है आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, अब पढ़ते हैं राजनांदगांव, ठीक है। देखिए राजनांदगांव की स्थापना जो है, पहले हम ये देख लेते हैं फिर मैप देखेंगे। राजनांदगांव की स्थापना जो है आपकी 1973 में हुई थी, ठीक है, और इसका तहसील जो है इसमें 9 तहसील है, ठीक है, और जिला मुख्यालय राजनांदगांव ही है। इसमें 9 तहसील है, छुई खदान है, राजनांदगांव है, खैरागढ़ है, डोंगरगढ़ है, और डोंगर, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, डोंगरगांव अलग है और डोंगरगढ़ अलग है, और दोनों जो है राजनांदगांव की तहसीलें है, ठीक है। चूरिया है, छुरिया है, अंबागढ़ तहसील है, मोहला है, ठीक है, और आपका मानपुर है, ठीक है, मोहला तहसील और मानपुर। अब देखते हैं आगे जो आपका खैरागढ़ तहसील है, खैरागढ़ में आपका क्या है, एक है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको हिस्ट्री में भी अच्छे से करेंगे। तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी, और ये विश्व का प्रथम जो है कला और संगीत विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, विश्व का और एशिया का जो है प्रथम विश्वविद्यालय कला और संगीत, ठीक है। अब ये इंदिरा जो है कौन है, तो एक राजा वीरेंद्र बहादुर थे जो खैरागढ़ के राजा थे, और पद्मावत थी, ठीक है, तो उन दोनों जो है हस्बैंड वाइफ थे, तो दोनों ने अपनी पुत्री जो है इंदिरा, ठीक है, इनकी पुत्री का नाम था इंदिरा, उन्हीं उन्हीं के जन्म दिवस पे जो है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय जो है 1956 में बनवाया था, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो है आपकी शिवनाथ नदी जो गढ़चिलौरी से निकलती है, अभी मैप में देखेंगे, और दूसरी आपकी कोटरी नदी, ठीक है, ये भी जो है राजनांदगांव की प्रमुख नदियां है। डोंगरगढ़ है, आपको पता होगा डोंगरगढ़ में आपकी बमलेश्वरी मंदिर है, ठीक है, बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण जो है वीर सेन ने करवाया था, ठीक है। यहीं पे बमलेश्वरी के कुछ सामने ही जो है आपकी प्रज्ञागिरी है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म स्थल है, यहाँ पे बौद्ध की मूर्ति है, ठीक है। और जो डोंगरगढ़ है इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, इसका पुराना नाम है कामावती पुरी, ठीक है। राजनांदगांव में एक अंबागढ़ है, ठीक है, अंबागढ़ में चितवा डोंगरी जो है गुफा है, ठीक है, चितवा डोंगरी गुफा, ये पुरातात्विक शैलाश्रय है। शैलाश्रय क्या होता है कि जो गुफा होती है उसमें पत्थरों में जो चित्रों को उकेरा जाता है, ठीक है, यही होता है शैलाश्रय, ठीक है। तो चितवा डोंगरी जो है पुरातात्विक शैलाश्रय है, जो है अंबागढ़ में है, अंबागढ़ तहसील में राजनांदगांव। बीएनसी मिल है, ठीक है, जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ये कहाँ है आपके राजनांदगांव में। ये राजनांदगांव में 3 मिल हड़ताल हुए थे, जिनकी अध्यक्षता जो आपके ठाकुर प्यारेलाल ने जो है नेतृत्व किया था, ठीक है। छुई खदान है यहाँ पे, जहाँ पे आप फेमस है जंगल सत्याग्रह के लिए, इसको हिस्ट्री में अच्छे से करेंगे, ठीक है। यहाँ के एक प्रमुख खनिज है जो है आपके लौह है, ठीक है, जो राजनांदगांव के चिल्हाटी में मिलता है लोहा, लौहयस्क, और बॉक्साइट भी जो है आपके राजनांदगांव में मिलता है, ठीक है। यहाँ पे
किसान शॉपिंग मॉल है राजनांदगांव में, क्वेश्चन आया हुआ है तो किस दो तीन बार आया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो किसान शॉपिंग मॉल जो है आपके राजनांदगांव में है, और अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी आपके राजनांदगांव में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, मैप को देख लेते हैं। देखिए मैप में जो है उत्तर में जो है आपके राजनांदगांव के उत्तर में कवर्धा है, ठीक है, इधर आपके बेमे तराई, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। आप पीडीएफ लेंगे, पीडीएफ जब डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर, क्योंकि काफी बड़ा मैप हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बता रही थी, बस सुनिए, यहाँ पे कवर्धा है, ठीक है, उत्तर में, यहाँ आपके बेमे तरा है, यहाँ दुर्ग है, ठीक है, यहाँ बालोद है, और यहाँ है आपका कांकेर, ठीक है। तो जो पांच जिला जो है आपके राजनांदगांव को घेरा हुआ है, पांच जिला, ठीक है, और दो राज्य स्टेट जो है राजनांदगांव को घेरे हुए हैं, पहला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो है आपके राजनांदगांव को घेरे हुए हैं, ठीक है। देखिए जो वृष्टि छाया प्रदेश जो कवर्धा को पूरा घेरता है, वहां से कुछ आधा एरिया जो है, जो मध्य प्रदेश वाले जिसमें टच करता है राजनांदगांव को, वो जो है आपके वृष्टि छाया प्रदेश जो है आपके राजनांदगांव में भी है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ी कम वर्षा होती है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे भी विषमकल श्रेणी जो है। यहाँ पे खैरागढ़ है, खैरागढ़ बता दिया मैंने कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ डोंगरगांव है, जहाँ पे बम्लेश्वरी मंदिर है जिसको वीरसेन ने बनवाया था, ठीक है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से जो है आपकी शिवनाथ नदी निकलती है, ठीक है, और ये पूरे राजनांदगांव में बहती है, और दुर्ग से होते हुए ये बेमेतरा को निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे अंबागढ़ है, अंबागढ़ में आपके चितवा डोंगरी है, चितवा डोंगरी की गुफा जो एक पुरातात्विक शैलाश्रय है, मैंने ये बता दिया कि शैलाश्रय क्या होता है। यहाँ पे मानपुर और मोहला के बीच में मानपुर पर्वत है, जहां से कोटरी नदी निकलती है, और ये जो है कांकेर में बहती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं बेमेतरा, ठीक है। तो देखिए जो बेमेतरा है, इसकी स्थापना जो है 2012 में हुई थी, ठीक है, और मात्र जिला क्या है, दुर्ग, मतलब दुर्ग से अलग करके बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, ठीक है। और याद रखिए बेमेतरा क्या है, एक भू आवेष्टिक डिस्ट्रिक्ट है, मैंने अभी बताया तीन जो है दुर्ग में भू आवेष्टिक डिस्ट्रिक्ट है, बालोद, खुद दुर्ग और एक बेमेतरा, ठीक है। तो तीन भूआवेष्टिक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एक बेमेतरा भी है। भूआवेष्टिक जिला क्या होता है, जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है, ठीक है। तहसील है जो इसमें, पांच तहसील है बेमेतरा में, नवागढ़ है, थाना खमरिया है, बेमेतरा है, साजा है और बेरला है। बेमेतरा का जिला मुख्यालय खुद बेमेतरा में ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नवागढ़ है बेमेतरा में, तो नवागढ़ में, नवागढ़ क्या है, एक ऐतिहासिक पुरातात्विक यहाँ पे प्राचीन खेड़ापति मंदिर पाया है, ठीक है, कहाँ पे, बेमेतरा के नवागढ़ में, ठीक है। तो ऐतिहासिक पुरातात्विक प्राचीन खेड़ापति मंदिर है, यहीं पे आपका योगी दीप है, गिधवा है जो एक पक्षी विहार था, ठीक है। यहाँ पे एक देवर बीजा है बेरला में, ठीक है, बेमेतरा के बेरला में देवर बीजा है, जो कि कलचूरी कालीन मंदिर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा देवर बीजा क्या है, कहाँ है, ठीक है। तो कम बेमेतरा के बेरला में जो है आपके देवर बीजा है, जो कलचूरी कालीन मंदिर है। यहाँ की प्रमुख नदी है शिवनाथ नदी, हाप नदी, सुराही नदी। शिवनाथ नदी जो राजनांदगांव से होते हुए जो बेमेतरा में आती है, हाप नदी का उद्गम कबीरधाम है, और कबीरधाम से जो है ये बेमेतरा में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ के जो प्रमुख खनिज है वो है आपके डोलोमाइट है, चूना पत्थर है। डोलोमाइट जो है आपके कोदवा मो भट्टा में पाया जाता है, और चूना पत्थर जो है आपके माटरागो और घुटवानी में जो है आपके चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। कॉर्जाइट जो है आपके दानी टोला में जो है कॉर्जाइट मिलता है, ठीक है, क्लियर है। एक बार चलिए मैप को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसको छह डिस्ट्रिक्ट ने घेरा हुआ है, ठीक है, इसको कोई भी राज्य नहीं स्पर्श कर रहा है, इसको छह डिस्ट्रिक्ट घेरा हुआ है। एक तो आपका मुंगेली है, बलौदा बाजार है, रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव और कबीरधाम। राजनांदगांव से दुर्ग होते हुए शिवनाथ नदी जो है बेमेतरा में भी बहती है, ठीक है। यहाँ से हाप नदी जो है आपके कवर्धा से बहते हुए बेमेतरा में आती है, और इसे संगम पे योगी द्वीप है, ठीक है, याद रखेगा योगी द्वीप। और इसमें कुछ खास बताने को है नहीं, बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बालोद। तो बालोद भी क्या है आपका, भू आवेष्टिक जिला है। ठीक है, दुर्ग से अलग करके, इसका मात्र जिला है दुर्ग, दुर्ग से अलग करके 2012 में आपके बालोद को बनाया गया था। ठीक है, इसमें चार तहसील है, एक तो गुंडरदेही, डोंडी लोहारा, बालोद, गुरुद और खुद डोंडी। डोंडी लोहारा और डोंडी अलग अलग तहसील है, ठीक है याद रखिएगा। सॉरी सॉरी, चार तहसील नहीं है, पांच तहसील है यहाँ पे। ठीक है, गुंडरदेही, डोंडी लोहारा, बालोद और गुरूर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्यटन स्थल देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पुरातात्विक स्थल जो है अगर पूछा जाता है तो बालोद में ही जो है सबसे ज्यादा पुरातात्विक स्थल पाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं जो ये जो है, इनको राज्य संरक्षित स्मारक भी है। ठीक है, जितने हैं इसमें बहुत ज्यादा है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो जो गुरूर स्टील तहसील है, ठीक है, गुरूर में महापाषाणिक स्मारक जो है आपके घनोरा, गुरूर के घनोरा में है। ठीक है, बहादुर कलारी की माची जो है आपकी चिरमारी, ये भी जो है आपके गुरूर में ही है। ठीक है, याद रखिएगा सारा, ये पूछा गया है बहादुर कलारिन की माची। ठीक है, महापाषाणिक स्मारक जो है कुलिया, ये भी जो है दुर्ग में है। ठीक है, महापाषाणिक स्मारक जो है मुझ गहन जो है, ये भी देखो तीन महापाषाणिक स्मारक गुरूर में, घनौरा, कुलिया और मुझ गहन। ठीक है, बहादुर कालीन की माची जो है चिरमारी में है। शिव मंदिर जो है आपके, शिव मंदिर ये भी गुरूर के पलारी में है, याद रखिएगा। ठीक है, डोंडी लोहारा में आपका मदिया पाठ है, जिसको भग्न मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपके डोंडी लोहारा में है। कुकुरदेव मंदिर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कुकुरदेव मंदिर। ठीक है, ये जो है खपरी के, खपरी जो डोंडी लोहारा खपरी में है। ठीक है, यहाँ पे पाया गया है, मतलब स्थित है। और जो बालोद है, बालोद में आप, बालोद में ही आपके शिव मंदिर है। ठीक है, शिव मंदिर जो जगन्नाथपुर में है बालोद के। ठीक है, कपिलेश्वर मंदिर भी आपके बालोद में है, ककरापारा है। ठीक है, महापाषाणिक स्थल जो है करही बदर जो ठीक में, बालोद के करही बदर में महापाषाणिक स्थल है। ठीक है, तो ये स्थल जो है याद रखिएगा, कहाँ पे महापाषाणिक स्मारक या स्थल है। ठीक है, बालोद के ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बस ये दे देगा आपको, ये दे देगा करही पार, करही बदर है, या गुरूर में दे दिया कि महापाषाणिक स्मारक कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो कुलिया, चिरमारी, ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रमुख नदी यहाँ की है तांडुला नदी है। ठीक है, तांडुला नदी जो कांकेर के भानुप्रतापपुर से निकलती है, इसको बस्तर संभाग में हमने देखा था। खारून नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, और शिवनाथ नदी भी यहाँ पे बहती है। और प्रमुख जलाशय जो है तांडुला नदी पर जो है बालोद में तांडुला जलाशय बनाया गया है। गोंदली जलाशय जो है बालोद में जोहार नदी पर बनाया गया 1975 में। ठीक है, एक यहाँ पे है खरखरा जलाशय जो खरखरा नदी पर है, 1968 में जो है यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से मिट्टी से बना हुआ, याद रखिएगा खरखरा जलाशय जो है। यहाँ पे खनिज जो प्रमुख खनिज जो दल्ली राजहरा में लौह अयस्क पाया जाता है वो है यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट को जो है यहीं से, जो भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग में है, यहीं से दल्ली राजहरा से इसको कच्चा माल जो है प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए हम जो है मैप से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भू आवेष्टिक है तो इसको कोई राज्य तो टच करेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए चार जिला जो है इसको टच करता है, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव और कांकेर। ठीक है, चार डिस्ट्रिक्ट जो इसको टच करता है। यहाँ पेटेचुआ है, पेटेचुआ से आपका खारून नदी निकलती है, बेमेतरा के पेटेचुआ से आपकी खारन नदी निकलती है और दुर्ग में जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भानुप्रतापपुर जो कांकेर है वहां से तांडुला नदी निकलती है। ठीक है, और यहीं पे तांडुला जलाशय बनाया गया है। गरूर में जो पुरातात्विक स्थल है, याद रखिएगा, घनौरा, कुलिया, मुजगहन, चिरचारी और पलारी। ठीक है, पांच याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको हिंट हो जाएगा कि हाँ ये था, मैंने पढ़ा था। ठीक है, डोंडी लोहारा में मदिया पाट और कुकुरदेव मंदिर है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दुर्ग। ठीक है, दुर्ग जो है इसकी स्थापना जो है 1906 में हुई थी। ये एक भू आवेष्टिक जिला है, तीन तहसील है इसमें, धामधा, दुर्ग। ठीक है, दुर्ग का पुराना नाम शिव दुर्ग भी है। ठीक है, और पाटन। ठीक है, दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र जो बोराई में है, ये क्वेश्चन आता है, औद्योगिक क्षेत्र बोराई। ठीक है, जामुल जो है, ठीक है, जामुल में सीमेंट कंपनी है,
ठीक है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जो छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट कंपनी है, ये कहाँ पे है? आपके दुर्ग के जामुल में बनाई गई है। यहाँ पे आपको पता होगा सबसे फेमस है भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है, 1959 में जो है 55 में तो ये बना था और उत्पादन जो है 1959 में